कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पक्ष में जाने का रास्ता, इससे जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पक्ष में होते हैं होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो, ईश्वर में भी हमको जगह मिल जाए। बिहार की सियासत में गजब का उठा पटक जारी है। जगदानंद सिंह के बेटे और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अब खुलकर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाकर निकलने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह अब नीतीश की कैबिनेट में भले ना हो, लेकिन नीतीश कुमार पर तंज कसने का एक भी मौका वो जाने नहीं देना चाहते। अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। साथ ही बिहार सरकार के मंत्रियों की स्थिति को लेकर भी सुधाकर सिंह ने जो बात कही वो जेडीयू के साथ साथ उनकी पार्टी के नेताओं को भी परेशान करने वाला है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पक्ष में जाने का रास्ता, इससे जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पक्ष होते हैं होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो, ईश्वर में भी हमको जगह मिल जाए। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर जो बड़ा बयान दिया वो नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी से जुड़ा है। सीएम का नाम लिए बिना सुधाकर सिंह ने खुले मंच से कहा कि कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री बनकर स्वर्ग जाया जा सकता है। आज तक किसी को नहीं मालूम कि स्वर्ग का रास्ता कैसे तय किया जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए तो सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर सुधाकर सिंह ने जो बातें कही उस कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोग भी समझ रहे थे और इस दौरान उनके भाषण पर जमकर तालियां भी बज रही थी। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। ईश्वर के जाने की जो कहा जाता है ईश्वर जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पक्ष में जाने का रास्ता, ईश्वर जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पक्ष होते हैं होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो, ईश्वर में भी हमको जगह मिल जाए। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों की हैसियत भी समर्थकों के सामने बता डाली। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में मंत्रियों की हैसियत चपरासी से भी बदतर है, चपरासी भी मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर होगा। सुधाकर सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब तेजस्वी और लालू प्रसाद लगातार अपने नेताओं को कुछ भी अनर्गल बोलने से बचने की बात कह रहे हैं। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन उनके विधायक का सीएम नीतीश पर हमला अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना होगा कि आरजेडी और जेडीयू की तरफ से सुधाकर सिंह के बयान को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।